नमस्कार, आप देख रहे इतिहास के पन्नों से यूट्यूब चैनल। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। आज हम देखेंगे अंग्रेजों के 13 बार हमले के बाद भी अजय रहा मिट्टी का किला। राजस्थान यह राज्य वहाँ के किलों और महलों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के किले राजस्थान की शान बढ़ाते हैं। राजस्थान में कई ऐसे किले जिनकी सुंदरता और संबंधित वीरगाथाएँ इतिहास में अमर रही है। यहाँ के राजा महाराजा सुरक्षा के बारे में बहुत दक्ष थे, इसलिए उन्होंने ऐसे अनेक किले बनाए जो अभेद्य रहे। इन्हीं किलों में से एक है भरतपुर का लोहगढ़ किला। यह भारत का अकेला किला है जो अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस किले को आज तक कोई जीत नहीं पाया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने तो इस किले पर 13 बार तोपों से हमला किया था, फिर भी वो जीत नहीं पाए। इस किले की मजबूती इसके नाम से ही पता चलती है, इसीलिए मिट्टी के बने इस किले को आयरन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस किले में जो भी राजा था उसे कोई हरा नहीं पाया। इस किले को 18वीं शताब्दी में राजा सूरजमल ने बनाया था। महाराजा सूरजमल इन्होंने ही भरतपुर यह शहर बसाया था। उन्होंने एक ऐसे किले की कल्पना की थी जो बहुत मजबूत हो और उसे बनाने का खर्च भी कम हो। उस समय तोपों और बमबारियों का बहुत इस्तेमाल किया जाता था। यह किला बनाते समय एक अजब सोच का इस्तेमाल किया, जिससे किले पर किसी हमले का परिणाम ना हो। यह किला भले ही राजस्थान के बाकी किलों जैसा बड़ा ना हो, फिर भी इसे अजय माना जाता है। इस किले की विशेषता यह है कि इसके चारों दिशाओं में मिट्टी की बड़ी बड़ी दीवारें हैं। यह किला बनाते समय पहले एक पत्थर की मजबूत दीवार बनाई, बाद में इस पर तोपों का परिणाम ना हो इसलिए सैकड़ों फीट चौड़ी मिट्टी की दीवार बनाई। दीवार के सामने गड्ढा बनाकर उसमें पानी भर दिया। दुश्मन के लिए पानी पार करके दीवार चढ़ना नामुमकिन हो गया, और पानी में तैरकर कोई ना आ पाए इसलिए पानी में मगरमच्छ छोड़ दिए। पानी पर एक पुल बांधा था और उस पुल पर अष्टधातु का दरवाजा बनाया था। इस दरवाजे को भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली से लाया था। इस दरवाजे को किले के मुख्य प्रवेश पर लगाया था। इस किले के बारे में आश्चर्य करने वाली बात यह है कि इसके निर्माण में लोहे का एक अंश भी नहीं था, फिर भी यह किला बहुत ही मजबूत था। इस किले पर आक्रमण करना आसान नहीं था, क्योंकि तोपों में से निकले गोले मिट्टी की दीवार में फंस जाते थे और उनकी आग बुझ जाती थी। हजारों गोले डालने पर भी किले की दीवार एक इंच भी नहीं हिलती थी। इसी वजह से कोई भी दुश्मन किले के अंदर नहीं जा पाया था। इस किले को राजस्थान का सिंहद्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर उस समय जाट राजाओं का शासन था, जो अपनी शासन पद्धति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने किले को सुरक्षित बनाने में कई भी कमी नहीं रखी। इस किले पर विजय पाने के लिए कई राजाओं ने कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने भी कई हमले किए, लेकिन वे कभी जीत नहीं पाए। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते होकर नरेश जसवंतराव भरतपुर यहाँ पर पहुँचे। जाट राजा रंजीत सिंह इन्होंने जसवंतराव को वचन दिया कि उनकी सुरक्षा के लिए वे अपनी जान तक देंगे। तब अंग्रेजों के कमांडर इन चीफ लॉर्ड लेक इन्होंने रंजीत सिंह को पत्र लिखा कि जसवंतराव होकर इनको अंग्रेजों के हवाले कर दो, वरना खुद की मौत के लिए तैयार रहो। लेकिन राजा रंजीत सिंह अंग्रेजों की धमकियों से घबराने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजों को पत्र लिखा कि तुम अपनी पूरी शक्ति से कोशिश करो, हम लड़ने सीखे, पीछे हटने नहीं। तब कमांडर लॉर्ड लेक इनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने भरतपुर पर आक्रमण किया। दूसरी तरफ जाट सेना तैयार ही थी। अंग्रेज किले पर आग के गोले फेंकते थे और वह गोले किले की मिट्टी की दीवार में फंस जाते थे। लोहगढ़ किले की दीवारें ज्यों की त्यों रहती थी। यह देखकर अंग्रेज सेना और लॉर्ड लेक चकरा गए। तब अंग्रेजों ने बातचीत का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजा रंजीत सिंह इन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। बाद में अंग्रेजों ने कई बार हमले किए, लेकिन वे जीत नहीं पाए। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों ने 13 बार हमले किए, लेकिन हर बार उन्हें हार ही मिली और अंत में वे चले गए। इस किले के पास जवाहर बुरुज है। यह बुरुज जाट राजा के दिल्ली पर हमला और जीत की याद में बनाया है। यह स्मारक 1765 में बनाया था। उसी के पास फतेह बुरुज बनाया है, जिसे 1805 में अंग्रेजों के खिलाफ मिली जीत की याद में बनाया था। राजस्थान के राजाओं की उत्कृष्ट स्थापत्य कला की साक्ष्य देने वाला लोहगढ़ किला आज भी सम्मान के साथ खड़ा है। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो सुनने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कुछ मुझे बताना चाहते हैं तो कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। धन्यवाद।